पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बीएड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। देखिए, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से कभी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि 3 घंटे का आपका पेपर होना है। इट मीन्स कि पेपर आपका कैसा होगा, थ्योरेटिकल मोड में होगा। अभी CSJME वालों के एग्जाम्स हुए थे, वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हुए थे। सो अब आपके ये थ्योरेटिकल एग्जाम्स होने जा रहे हैं। अगर हम LU की बात करें, एक आपका 19 को हो, फिर 20 को आपको छुट्टी मिलेगी, 21 को है, फिर 22 को आपको गैप मिलेगा, 23 को है, फिर 24 को आपको गैप मिलेगा और 25 तारीख को पेपर है आपका। पहला पेपर है आपका शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का, उसके बाद में शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, बाकी आपने इनमें से जो ले रखा होगा वैल्यू एंड पीस इनोवेशन जो भी चीज़ें, तो उसका एक पेपर होगा आपका। यानी ओवरऑल 4 एग्जाम्स होने हैं आपके, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मतलब कम दिनों में, मैम जैसे आपने CSJME वालों का रिवीजन करवा दिया था और उनके इतने अच्छे एग्जाम्स हुए हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम्स वैसे ही हों, तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रेगुलर क्लासेस शुरू कर दूंगी और एक स्ट्रेटजी बना दूंगी, उस बेसिस पे हम आपकी क्लासेस 25 तारीख तक कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। सो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सर्च करिए पीजी पॉइंट, है ना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और एक ऐप है पीजी पॉइंट के नाम से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, भले आपको वो CSJME दिखेगा। देखिए, आप मान लीजिए पावलव का अधिनियम है, ठीक है, पावलव का जो नियम है वो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के लिए अलग होगा और CSJME वालों के लिए अलग होगा। भाई, जो उन्होंने नियम दिया है वो तो वही रहेगा, है ना। तो सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो जाता है, टॉपिक सेम रहते हैं, सब्जेक्ट्स वही रहते हैं, तो आप लोग उससे भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी न्यू क्लासेस भी हम आपको देने के विचार में हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम जल्दी शुरू करेंगे क्लासेस। तब तक के लिए ऐप और टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़ जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।